हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अभी हम हैं पड़ाटा में, जो कि रावण दहन देखने आए हैं। और ये एशिया का नंबर वन होता है, यहाँ पर रावण बनाए जाते हैं। अभी पटाखे की आवाज़ आ रही है, लगता है आग लग गया है, तो वही जा रहे हैं देखने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन जा रहे हैं फिर भी। ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। इन गलियों में पटाखे की आवाज़, उड़ता हुआ तीर ने कोई ले ले, इतना ज़्यादा रस है यहाँ। सच में रावण काफ़ी बड़ा लग रहा है मुझे भी। वो देख रहे हो, वही रावण है, काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। सही में लग रहा है एसी का नंबर वन हो सकता है क्या। रावण को देखने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, वो भी जलते हुए रावण को, ऊपर नीचे होते हुए, ट्रैफिक को गुजरते हुए। ये रहा रावण। यूं देखो रावण, और ये वीर काफी ज्यादा बोल रहे हैं। इतना रस पसीना पसीना हो गया है यहाँ पे। सही बनाया है, नहीं लग रहा है रावण ने तलवार से ऐसा नहीं बनवाया, हाथ में ऐसा बनाया भी तो काफी बड़ा है। ऐसे में कहीं किसी के शरीर पे गिर गया तलवार तो उसका हालत खराब हो जाता है। छोटा मोटा तलवार थोड़ी ना। यहाँ पे 4 साल से हैं लेकिन फर्स्ट टाइम आए ये दशहरा देखने के लिए, वो भी रावण दहन। सुनने में आया जो एशिया का नंबर वन है, पता नहीं है या नहीं है, वो तो आप ही लोग बता सकते हैं कि एशिया का नंबर वन है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर रस कुछ ज़्यादा है। और ये यहाँ का सूर्य, राम जी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, कहाँ है राम जी। और ये स्टार्ट हो गया रावण का। ऐसे उड़ाया था इसका तो सही उड़ा दिया, मुझे लगता है 10 बार पूरेगा यह। हाथ गया, हाथ गया इसका। यहाँ आग नहीं, बम से उड़ाया जा रहा है। और ये धुआं धुआं पॉल्यूशन का अलग ही नाम है यहाँ पे। और लग गए से खत्म हो गया, नीचे से खत्म हो रहे हैं। काफी भयंकर लग रहा है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसे किसी को, रावण को जलाया जा रहा है इस परिपक्ष।
बम खत्म हो गए लग रहे हैं। ये ऊपर स्केलेटन बचा है उसका, बस पूरा पार्ट जल गया। स्केलेटन स्केलेटन होता है। इसी के साथ राम का विजय हुआ और रावण चला गया लंका से बाहर। लक्की का फोन ही ले गया था ना। लेकिन ये गिरा नहीं है। तो अब यहाँ का लाइट वाइट भी जल गया, लग रहा है कोई इंटरव्यू देख रहे हैं। हमें तो ऐसा ही लग रहा है, मीडिया वाले आएंगे क्या। तो देख अयोध्या लौटते हुए राम जी अपने इधर। रावण का बुरा हाल है, सिर्फ इसके स्केलेटन बचे हुए हैं और कुछ नहीं बचे हुए हैं। तो देखो चांद भी है धुआं धुआं के बीच। ये इतना बड़ा ग्राउंड था, अभी भी धुआं धुआं हो रहा है। तो चलते हैं अब हॉस्टल, क्योंकि रात हो गई काफ़ी ज़्यादा, अप्रॉक्स 8 बज गए हैं। तो यहाँ से जाने में भी 15-20 मिनट लगेगा। तो रावण के मरने की खुशी में खाते हैं कुछ मीठा और चलते हैं। बैठ चुके हैं ऑटो में और चलते हैं हॉस्टल।